सब्सक्राइब करंतु दुर्गा एसटीवी यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करंतु। महाभारत ग्रंथ अनुजाई दिने ऋषि पराशर जमुना नदी पारी करिवा पे एक डंगारे बसिथिले। डंगा चलाउथिले धीवर कन्या सत्यवती। जोगसिद्ध संपूर्ण ऋषि पराशर सत्यवतीक सौंदर्य एवं जौवन को देखि व्याकुल होइ उठिथिले। ऋषि पराशर सत्यवतीक सह शारीरिक संपर्क स्थापन करिवा पई इच्छा प्रकाश करिथिले। तेबे ऋषि कथारे अराजी होइ सत्यवती कहिथिले जे एभली संपर्क अवैध अवैध संपर्क रखी से संतान जन्म करने को चाहूना। किंतु पराशर ऋषि सत्यवती को बारंबार प्रणय निवेदन करिथिले। एहापर सत्यवती प्रणय पई सम्मत होइथिले। किंतु ऋषि सम्मुखरे तीनोटी शर्त रखिथिले। प्रथम शर्त है ऋषि प्रणय बेले कहीं देखिबे नाही। सत्यवती शर्त शुणी पराशर तुरंत एक कृत्रिम आवरण तैयारी कर। द्वितीय शर्त संभोग परे मध्य कुमारित्व जमिति अक्षुण्ण रहे। फळरे पराशर सत्यवती को आश्वासना देथिले जे तांको औरस्वरु शिशु जन्म परे मध्य तांको कुमारित्व पूर्व भळी ही रहिबो। तृतीय शर्त है सत्यवती शरीर आसुथिबा मत्स्यगंध उत्तम सुगंधरे परिवर्तन हेबो। एहापरे पराशर सत्यवती चारिपटे एमिति एक सुगंधमय वातावरण सृष्टि करिथिले जहाँ 9 माइल दूररु मध्य अनुभव करा जाई पारिबो। यही तीनोटी शर्त को पूरा करिवा परे सत्यवती एवं पराशर ऋषि नाभकेली करी शारीरिक संबंध स्थापन करिथिले। यही संबंधर फलस्वरूप सत्यवती एक पुत्र संतान जन्म देथिले। पुत्र संतानर नाम कृष्णदौपनाय रखागला। पराशर ऋषि पुओ परवर्ती समय रे देवव्यास नाम प्रसिद्ध हेले। महाभारत अनुजाई महर्षि देवव्यास आशीर्वाद रु धृतराष्ट्र पांडु एवं विदुर जन्म होता। देवव्यास कृपारु धृतराष्ट्र एवं गांधारी 100 संतान जन्म होते। दर्शक बंधु जदि ये भिडियोटी आपंक प्रकृत में भल लगी भिडियो गोटे लाइक करूँ। भिडियोटी को एवं सेयार करूँ। निजर मतामत कौन अच्छे आम कमेंट बक्स में लिखि दिंतु। यहीपरी नुआ नुआ रहस्यमय भिडियो एवं जाणवा शुणा भिडियो सर्वप्रथमें देखापी आम यूट्यूब चैनल को एवं सब्सक्राइब करूँ। आखिर आसुवा बेल आइकन को क्लिक करूँ। मन रखु बेल आइकन को क्लिक करने द्वारा आम चैनल प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेसन आपण मोबाइल प्रथम पहुँची पार्ब आपण मैंने प्रथम देखिपारे।